सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। वो किसानों के हित के साथ साथ छात्र छात्राओं के भी हित में होगा, जो कि अहमदाबाद से चल के कहीं ना कहीं शिक्षा लेने यहाँ बच्चे आते हैं। जगह से एवरेज अर्थात सुरतापुरनपुरा को जोड़ता है जी हाँ। अगर इस ये संपर्क मार्ग बन जाए तो इससे बहुत सहूलियत होगी। नेशनल हाईवे भी है, सिक्स लेन भी है, इधर इधर जुड़ता हुआ जी हाँ। और रास्ता काफ़ी ख़राब है, इससे आदमी इधर उधर घूमकर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूमकर जाते हैं। अच्छा, अगर सड़क बन जाएंगे तो लोगों के लिए आवागमन के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। बरसात के दिनों में इस रास्ते से चलना दुश्वार होता है, क्यों कीचड़ रहता है जी। सड़क है कहीं ऊबड़ खाबड़ है और ये खंजा या पिच बन जाती तो बहुत मतलब अच्छा होता। मैं इस वक्त शेरपुर में मौजूद हूँ, पुष्पत राय इंटर कॉलेज और पुष्पत राय डिग्री कॉलेज। ये पुष्पत राय इंटर कॉलेज है शेरपुर का, और ये शेरपुर का बहुत ही बड़ा डिग्री कॉलेज है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं अभी आया हूँ आपके मोहम्मदाबाद से, राष्ट्रीय मार्ग के 31 सुरतापुर नवापुरा मार्ग से इस कॉलेज तक कच्चे मार्ग से आया। मार्ग देखने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि इस मार्ग को अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि शेरपुर का भी विकास अधिक होगा, और पूरे जो क्षेत्र के किसान जो है आपके टमाटर सब्जी बोते हैं उनका मार्केट ले जाने में आसानी होगी। मैं देख रहा हूं इस कॉलेज पे मौजूद हैं पुष्पत राय डिग्री कॉलेज के अजय राय जी से, मैं आपसे जानना चाहता हूं रहने वाले यहीं के हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है जी? आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है और आप आए यहाँ तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मार्ग से सुरतापुर नवापुरा मार्ग यदि जुड़ जाता है तो आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। वो किसानों के हित के साथ साथ छात्र छात्राओं के भी हित में होगा, जो कि अहमदाबाद से चल के कहीं ना कहीं शिक्षा लेने यहाँ बच्चे आते हैं तो उनकी दूरी कम हो जाएगी, और दूरी के साथ साथ इस रास्ते पर बहुत व्यस्तता नहीं रहेगी, इसलिए उनको आने जाने में बहुत ही सुविधा होगा। किसानों के साथ साथ छात्र छात्राओं का भी बहुत बड़ा अच्छा उनके लिए होगा। अभी अभी एक गांव में एक बच्चा शहीद हुआ था और प्रशासन ने कहा था कि मैं शेरपुर की तरक्की के लिए उस बच्चे के नाम से हम रास्ता देंगे, तो क्या कहना चाहते हैं उस बच्चे का नाम से अगर इस सड़क में कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, वो हमारे गांव के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और शहीद हुए हैं अखिलेश राय जी, और उनके नाम पर बना तो यह सड़क, तो हम लोग बहुत स्वागत करेंगे उसका, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। देखा आपने, आम लोगों की राय है कि अगर ये सड़क बनती है तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं भी किसानों से बात करूंगा कि सड़क कितना ही फ़ायदेमंद होगा। मुश्किल से ये सड़क की दूरी है 4 किलोमीटर, और आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना के जोड़ने के लिए शहीद पार्क तक जाने के लिए 1 किलोमीटर और बढ़ा जाएगा, तो 5 किलोमीटर की ये सड़क जो है पूरे अहमदाबाद को आगमन के लिए शेरपुर के लोगों के लिए आधी दूरी कम हो जाएगी। इसमें T2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मेरी मुलाकात हो रही है जी, इसी रास्ते पे सेमरा शेरपुर मार्ग से आपका ये रास्ता जाता है आपका नवपुरा सुरतापुर। मुश्किल से 4 किलोमीटर की सड़क है ये, और अगर शहीद पार्क शेरपुर को जोड़ लिया जाएगा तो 5 किलोमीटर सड़क हो जाएगी। और कितना इस सड़क से आगमन आसान हो जाएगा, और देखिए सामने कितने सब्जियां बोई गई हैं, इन सब्जियों को मार्केट में पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। खुद इस रास्ते से एक साहब आ रहे थे, मैं इनसे परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं, क्या सुनाम पड़ेगा साहब? जुगेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, गुप्ता जी कहाँ रहने वाले थे? सेमरा शिवराय का पूरा शिवरापुरा रहने वाले हैं। सेमरा शिवराय का पूरा जी, सेमरा शिवराय पूरा ही है, यही था वो, वहाँ से कटकर लोग यहाँ आकर बसे हैं। अब एक रूप से मान लीजिए ये भी गांव हो गया है। अच्छा, गांव हो गया। और जगह से एवरेज अर्थात सुरतापुरनपुरा को जोड़ता है जी हाँ। अगर इस ये संपर्क मार्ग बन जाए तो इससे बहुत सहूलियत होगी। नेशनल हाईवे भी है, 6 लेन भी है, इधर इधर जुड़ता हुआ जी हाँ। और रास्ता काफ़ी ख़राब है, इससे आदमी इधर उधर घूमकर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूमकर जाते हैं। अच्छा, अगर इस रास्ता जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ। तो ये रास्ता कुछ भरत सिंह से बना है? हाँ, भरत सिंह के द्वारा ये बना है, ईंट से खड़ंजा बना तो हुआ। आदरणीय हमारे इस यहाँ के सांसद
वीरेंद्र सिंह मस्ती से क्या कहेंगे आप? वीरेंद्र सिंह मस्त से क्या कहना, जब तक खुद सांसद हुए यहाँ आए भी नहीं, दर्शन भी नहीं दिए, तो उनसे क्या कहना है? दर्शन नहीं देंगे उनसे, बात तो इसके जरिए पूरी है, तो आप उनसे बताइए कि हाँ हमारी गुजारिश है। हाँ गुजारिश भी है, गुजारिश तो है ही है, उनसे गुजारिश है कि कुछ काम कराए। हाँ अच्छा, जो पुल बना था बन रहा था उसको भी इधर उधर लोग कर रहे हैं, उसको भी रेवतीपुर से जोड़ें जी। हाँ जो सानिन्ना से जुड़ा हो जी जी। हाँ तो ये रास्ता कितना उपजाऊ हो जाएगा आपका? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये इसको मत उपजाऊ पूछे, जो सिक्स लेन से जोड़ता हो, NH से जोड़ता हो, उससे क्या उपजा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। देखा आपने कि ये रास्ता को अगर जुट जाता है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर डालने के लिए, आपका वीरेंद्र सिंह मस से यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी गुजारिश है कि सुरतापुर नवापुरा से सेमरा शेरपुर तक जो रास्ता है ये 5 किलोमीटर की, अगर इस सड़क को हमारे शेरपुर के शहीद अभी जो हुए हैं उनके नाम से बना दिया जाए, जितना जिंदगी लोग इसे उनकी बलिदान को भी याद रखेंगे और सड़क को भी याद रखेंगे। सिमरा शेरपुर शिवराय के पूरा से ये सड़क जा रही है आपके सुरतापुर नवापुरा। इस सड़क पर एक साइकिल सवार आ रहे थे, मैं इसे खुद परिचय जानने से जानता जानना चाहता हूँ कि सड़क बनने से कैसा रहेगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम रविशंकर है। रविशंकर क्या? रविशंकर यादव जी। यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? नवापुरा के रहने वाले। तो आप नवापुरा से आ रहे हैं, ये सड़क अगर बन जाएगी तो कैसा? सड़क बन जाएगी तो लोगों के लिए आवागमन के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। बरसात के दिनों में इस रास्ते से चलना दुश्वार होता है, क्यों कीचड़ रहता है जी। और सड़क बन जाने से लोगों के लिए अगर पीच हो जाए तो अति उत्तम सुगमता हो जाएगी, नेशनल इलेक्ट्रिक से जुड़ जाएंगे लोग। अच्छा, कहीं भी आने जाने के रात दिन कोई बीमार पड़ जाए आदमी, चाहे कहीं भी इमरजेंसी हो अपना रोड पर। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो रोड जो खराब है अपना खेती गृहस्थी वाला है, आलू है मटर है मिर्च है, उसको खेती करने के अपना बाजार में कहीं भी लेकर के चले जाएंगे लोग। धन्यवाद। देखिए ये शेरपुर से जो सड़क आ रही है आपके और सुरतापुर नवापुरा जाने के लिए, कितना ये ज़मीन फायदेमंद है और किसानों के लिए कितने यहाँ लोग मजदूरी करते हैं। यहाँ जयनगर तमलपुरा को जोड़ते सड़क जाएगी ये, आपका कितना फ़ायदा होगा, मजदूरों को काम करने में आसानी कितनी हो जाएगी, पैदल बेचारे आते हैं काम करने के लिए, अगर ये सड़क बन जाएगी गाड़ी से आएंगे और ये अपना काम करेंगे और खेत में जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा बताओ भैया जरा सा? तो रुक जी, हमारा नाम रवि प्रकाश यादव है। अच्छा अच्छा, तमलपुरा के मूल निवासी हैं। तमलपुरा के निवासी हैं। और सड़क बनने से कितना फ़ायदा होगा? सड़क बनने से साहब बहुत फ़ायदा हो जाएगा, यातायात जो है कि समय से यहाँ पर नवपुरा से जो मजदूर पैदल आते हैं वो ऑटो से आ जाएंगे, चाहे निजी साधन से जल्दी आ जाएंगे, और हम लोग का जो मिक्स टमाटर मटर जो भी है वो बरसात में पानी लग जाने की वजह से जो है कि अच्छा से नहीं जा पाता है, और रोड के बन जाने से हम लोग गाड़ी पे लाद के तुरंत अपना मंडी पहुँच जाएंगे, जो कि 3 घंटा का सफ़र हम लोग के लिए 1 घंटा में हो जाएगा और हम लोग के लिए आसान भी हो जाएगा। ये कच्ची सड़क है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है और ये खरंजा या पीच बन जाती तो बहुत मतलब अच्छा होता।